तारीख है। हजरत हाजी ख्वाजा सैफुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह के दरबार में हर साल उर्स में 5 दिन का इसी तरह आए हुए तमाम लोगों के लिए लंगर बनाया जाता है। यहाँ पर 5 दिन का रोज का सुबह और शाम 24 घंटे लंगर चालू रहता है। यहाँ पर कोई भी इंसान आता है, गरीब हो या अमीर हो, सरकार का तबरुक हर इंसान को मिलता है। ये हमारे नजीर फराज चिड़ीदार के मुजावर जमादार, ये लंगर कमेटी के अध्यक्ष हैं। ये खाना बनाने का काम करते हैं, तकसीम करते हैं। ये मौला अली पठान हमारे कमेटी के कैशियर हैं। ये लंगर का पूरा कारोबार इन्होंने संभालते हैं। ये बुढ़न मुजावर गला साहब इस कमेटी के डायरेक्टर हैं। ये पीरप्पा टेंगड़े, ये खाना लाना यहाँ पर जगह पे पहुँचाना इनका काम है। ये शिव जगह पर है के, ये लंगर में हर साल 2 क्विंटल खाने का हिस्सा लेते हैं। 11 साल से इनका हर वक्त यहाँ पर 2 क्विंटल खाना मिलता है। ये हैदरे गाँव के हैं जगह पर। शंकर शंकर लामड़ी ये बॉम्बे से आए हैं। जो भी लोग यहाँ पर आते हैं, सरकार के पास खिदमत करते हैं, तबरुक खाते हैं और लोगों को खिलाने के लिए एक साथ में व्यवस्था करते हैं। ये हर इंसान आने वाला यहाँ पर लंगर में एक दूसरे की मदद करता है। यहाँ पर हजरत हाजी ख्वाजा सैफुद्दीन बरकातों का ये हर साल लंगर चलता है। कई लोग यहाँ पर सोलापुर के, बॉम्बे के, पुणे के, जो भी लोग यहाँ पर दरबार पे आते हैं, ये लंगर चला हुआ है देख के नाम नहीं बताते हुए हर लोग ये चावल दाल तेल मसाले के साथ हर लोग यहाँ पर लाके देते हैं। नाम बताओ बोले तो नाम बताते नहीं, बंद मुट्ठी है। सिर्फ लंगर लोगों को खिलाओ करना काम हमारा है, लोग का खाना काम है। बहुत कुछ लोग हैं यहाँ पर, कभी कुछ 1 रुपये का कमी पड़ने देते हैं और अनाज कमी गिरने देते हैं। आते हैं क्या कम है बाबा, पूछते हैं ये चीज़ कम है, फौरन उसी जगह पे लाके देते हैं। उसी तरह ये लंगर चलता है। कितने साल से आप आ रहे हो ये लंगर? 12 साल। पर आने का कारण बताएंगे कि आप यहाँ क्यों आते हैं? कारण नहीं, आप बाबा का मानते हो ना, बाबा माने कर हम आते हैं जी। यहाँ आने के बाद में कोई फेस मिला, फेस हुआ है आपको? नहीं, हमको दुआ है उनकी, दुआ नहीं कैसा जी। आपके फैमिली भी है आपकी? क्या फैमिली मेरे को 20 साल हो। अच्छा, तो आप अकेले रहते हैं? अकेला करता था जी। और आप 20 साल से यहाँ पे आते पड़े हो और सेवा कर रहे हो? 20 साल से छोटे पंचायत में जी। अभी आपकी उम्र कितनी है? मेरी 81 है। और अभी तक आप कहाँ आते हो? हर साल आके यहाँ सेवा करते हो? हर साल क्या, दर अमस को आता हो, दर अमस में भी आता है, हर साल आता जी जी। आए तो 3 या 4 होने की। पूरे हिंदुस्तान में आप जनता को, पब्लिक को कुछ बताना चाहोगे इस पीर के बारे में? हम कहाँ भी जाकर नाम लेते हैं बाबा का जी। बाबा से आपसे क्या अनुभव है? अनुभव क्या, घर तो वली है हमारा, तो वही उनको बताइए कि हमारा जो वली है वो हम घर के वली है जी। बेचारा तुम से तो हमको बोल सकते कुछ भी जी। तो मैं हैदरे के रहने वाले शिवानंद मुस्लिम के जगहपुर है। यहाँ पे हर उर्स में लाखों लोग आते हैं, लाखों लोगों को यहाँ पे करामत सरकार का है, इसलिए यहाँ पे लंगर चलता है। वो लंगर में सेवा करने का मौका मिलता है। और यहाँ पे यहाँ से मैं बहुत गरीब था, यहाँ से निकल गया, गांव से निकल गया। यहाँ पे हमको 1 रुपये भी नहीं मिला सरकार का, वैसे आज हम बम्बई में जाके कमा के यहाँ पे सरकार का सेवा करता है। सरकार को हमने 2 क्विंटल का अनाज हम उर्स का टाइम के दान लंगर को देता है, लंगर चलाता है, फूल मिलता है। और यहाँ बाबा के हिसाब से हमको इतना चमत्कार हुआ है कि हमको लड़का नहीं था, वो बाबा ने हमें औलाद दिया है। और बाबा को हम हर बार हर समय सेवा करने का हाजिर है। और हम यहाँ पे रहने वाले लोगों को आने का जाने वाले का सबका ख्याल रखते हैं। और जो लोगों को खाने के लिए तकलीफ होती है तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। रात भर सेवा करके बम्बई से और कर्नाटक से सब पब्लिक यहाँ पे आता है। रात को कई भूखा आदमी लोग आते हैं तो यहाँ पे लंगर चलता है। लंगर का सेवा हम लोग हर समय हर रात में हम लोग करता है, लोगों को यहाँ पे भूखा जाने नहीं देते हैं। मेरा नाम ललिता रामलेख। यहाँ पे कितने साल से आता है? 7 साल।
तो यहाँ पे आने का इधर आके बाबा का क्या करते हैं? बाबा का सेवा करता है मैंने, बाबा का आशीर्वाद है। तो आपका अनुभव क्या है यहाँ पे आने के बाद? बाबा का वजह से हमको सब मिला यार, ऐसा ये नहीं, सेवा करता करता है सब। अब हर साल आप आती हैं? हर साल आता है, कभी कभी ऐसा मौसी आप, आपको इस समय लाखों लोग देख रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, आप ऐसे कुछ तो बताएंगे कि ये दरगाह में आने के बाद में किस किस तरीके की तकलीफें का हल होता है? हर तरीके मेरा नाम है मुजाहिद शौकत तुर्की। आप कितने साल से ये 15 साल से काम चालू है। आप यहाँ रहने के लिए आप यहीं पे हो? हम इधर कुरजोड़ी के अंदर रहते हैं। और आप ये दरगाह में पिछले कितने साल से जुड़े हुए हो? मैं 2 साल से जुड़ा हूँ। ठीक है, आपको कितने आदमियों का खाना बनता है? हमारे हजारों लोगों को बनता है। कितना साल से यहाँ पे लंगर पे आके खाना बना लेते हैं? 12 से 15 साल से मैं इधर खिदमत में आता हूँ। जी, आप कितने आदमियों का खाना दिन भर में बनाते हैं? यहाँ पे देखो कम से कम 30 से 35 क्विंटल जाता है। वजह आपको, आप यहाँ आके बनाने का कारण बता सकेंगे, आप क्यों यहाँ आके बनाना पसंद करते हैं? सरकार जी आप पीर मुर्शिद रहते हुए और खलीफा ले बनते हुए क्या सरकार के दरबार में आके काम करने के लिए शर्म तो नहीं क्या? नहीं भाई, खलीफा रहने के बाद सरकार के नौकर बन के काम कर देना। आपको कितने साल हो गए यहाँ पर आ जाते? मेरे को आते आते 7-8 साल हो गए। और आप ऐसी आके मदद कर सेवा करते हो? ऐसी सरकार की खिदमत में आते हाजिर होते। सरकार आपको क्या दिया अभी तक? सरकार बहुत कुछ दिए।